हाय, मैं हूँ फिजियो वर्षा और आज भी मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रोक के ऊपर। सो आज मैं आपको एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ, स्पेशली हैंड एक्सरसाइजेस इन स्ट्रोक। स्ट्रोक में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसको हम ब्रेनस्टॉर्म स्टेजेस ऑफ रिकवरी कहते हैं। उसकी लिंक मैं ऊपर दे दूंगी, आपको समझेगा वो क्या स्टेजेस है। हर स्टेजेस में अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं। स्पेशली आज मैं बताने वाली हूँ स्टेज वन और इनिशियल स्टेज ऑफ स्टेज टू एक्सरसाइजेस। जब पेशेंट अक्यूट स्टेज ऑफ स्ट्रोक में है, वो हॉस्पिटल से घर आए हैं और उनमें करने की ताकत नहीं है, उनके हाथ पैर में टोन या फिर पावर जस्ट जीरो या फिर वन है, वो स्टेज में आपसे उनको एक्सरसाइज करवाने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, पेशेंट में उतना टोन आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, सो ये एक्सरसाइजेस आपको उन पे करने की ज़रूरत है। आज मैं बात करने वाली हूँ हैंड एक्सरसाइजेस इन स्ट्रोक। तो ये एक्सरसाइजेस देखिए, दिन में दो बार ये एक्सरसाइजेस कीजिए और जैसे उनको टोन और पावर बढ़ेगी, आप आपके एक्सरसाइजेस शिफ्ट कर सकते हो। और मैं ट्राई करूँगी और अलग अलग वीडियो डालूँगी जिससे आप अलग अलग स्टेजेस में एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ओनली थिंग इज़ दैट पेशेंट हाईली मेडिकेटेड होते हैं स्ट्रोक में, तो वो ड्राउजी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको नींद आती है। सो आपको ट्राई करना है टाइम निकालने का, जब वो अच्छे एक्टिव हो और अलर्ट हो तभी उनको इन्वॉल्व कीजिए और एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर पेशेंट सो रहा है और आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो उसका इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाथ के एक्सरसाइज आफ्टर पैरालिसिस। इमेजिन कर रही हूँ पेशेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकवरी में है, हाथ में बिल्कुल पावर नहीं है, बिल्कुल टोन नहीं है, उठा रहे हो तो हाथ नीचे गिर रहा है। सो वो स्टेज में आपको उनसे एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत है। और जैसे जैसे पेशेंट में थोड़ा पावर टोन आना चालू हो जाएगा तो पेशेंट को हम इन्वॉल्व करेंगे, सेम एक्सरसाइजेस हम उनको बोलेंगे, अभी आप ट्राई करो और आप हेल्प करोगे, लेकिन अभी आप उनसे करवा रहे हो। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, अगर पेशेंट की लेफ्ट साइड में वीकनेस है, पैरालिसिस है, तो मेक श्योर पेशेंट की लेफ्ट साइड आउटसाइड हो, ताकि जो भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वो उनकी नेक लेफ्ट साइड टर्न कर रहे, ज्यादा वो ये साइड टर्न करेंगे, ये साइड की पावर आने में, टोन आने में हेल्प होगी। अगर पेशेंट वॉल की साइड है, पैरालाइज साइड अंदर है और आप ऐसे खड़े हो और ऐसे एक्सरसाइज करवा रहे हो, पेशेंट के लिए भी वो ज्यादा इफेक्टिव स्टिमुलेशन नहीं है और आपकी बैक के लिए भी वो ठीक नहीं है। सो आपका बेड इस तरह से एडजस्ट कीजिए ताकि वो साइड बाहर की तरफ हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो, पेशेंट भी ज्यादा से ज्यादा टाइम ये साइड उठ के बैठ सकते हैं, जो भी रिलेटिव आएंगे ये साइड से मिल सकते हैं। सो दैट इज आवर फर्स्ट थिंग, वो आप कंसिडर करोगे। सेकेंड, अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेशेंट को आप एक हाथ से आपको पकड़ना है, ध्यान रखिए पेशेंट का ये पार्ट इज वेरी सेंसिटिव इनिशियल फ्यू डेज, अदरवाइज आई वुड से हमेशा के लिए, अगर पैरालिसिस है सो उनके फुट और उनके हैंड का ये जो एरिया है वो सेंसिटिव होता है, उसको आपको ज्यादा स्टिम्युलेट नहीं करना है। हाथ में हाथ डाल के बैठना या फिर उसको मसाज करना, ये कॉमनली किया जाता है बट इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ओके, सो आपको एक बार उनको फर्मली पकड़िए, फिर ज्यादा हाथ छोड़ना नहीं है आपको, पकड़िए और हमेशा मेक श्योर आप पेशेंट को, अगर वो सो रहे हैं स्ट्रोक में, वो हाई डोसेज ऑफ मेडिसिन उनको चालू होते हैं, वो ड्राउजी फील करना इज नॉर्मल, बट मेक श्योर आप उनको उठा रहे हैं, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से भी इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं है, वो नहीं करने वाले हैं, आप ही करने वाले हो, लेकिन आप मेक श्योर कीजिए कि वो उनको उठाइए, उनको बोलिए कि आप देखो, आप करने की कोशिश करो और उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ओके, जस्ट ऑल द एक्सरसाइज ट्राई टू डू इट लाइक 15 to 20 टाइम्स, बट पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, एटलीस्ट दो बार इन अ डे आपको ये एक्सरसाइजेस फॉर उनके हैंड को करने की जरूरत है। ओके, सो हैंड को मैंने अच्छे से पकड़ लिया है। ओके, सो वॉट एवर आप राइट साइडेड हो, लेफ्ट साइडेड हो, अभी मैं राइट साइडेड हूँ तो मैं ये हाथ से उनको पकड़ूंगी, दूसरे हाथ से हम उनके एल्बो को स्टेबिलाईज करेंगे
और अगेन मैं और एक पॉइंट इधर बोलना चाहूंगी उनका शोल्डर का। पैरालिसिस में, स्ट्रोक में शोल्डर पेन इज वेरी कॉमन, क्योंकि हम किसी भी तरह उनको उठाते हैं, सुलाते हैं टॉयलेट के लिए, डायपर चेंज करने के लिए, और हर टाइम हम ऐसे शोल्डर को लेके उनको उठाते हैं, बिठाते हैं। दिस इज रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। और उन बिकॉज उनके शोल्डर में टोन नहीं है, पावर नहीं है, शोल्डर डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवन दो डिसलोकेट नहीं हुआ, शोल्डर के लिगामेंट मसल को डैमेज होता है और उनको बहुत ज्यादा पेन होता है। और एक बार वो शोल्डर पेन चालू हो गया तो फिर एक्सरसाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट, अगर आप जबरदस्ती कर भी रहे हो, पेशेंट इन्वॉल्व नहीं होगा और वो ट्राई टू प्रोटेक्ट शोल्डर को करेगा, और उससे उनकी रिकवरी में बहुत बड़ी बाधा आ सकती है। सो पकड़िए अच्छे से, एक हाथ से एल्बो को स्टेबिलाइज कर दीजिए, और आपको स्लोली हाथ को उठाना है, ऊपर लेके जाना है टू द फुल रेंज ऑफ मोशन, और एल्बो को नीचे, हाथ को नीचे। ओके, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन। ओके, सो ये फ्लेक्शन हम करेंगे 15 to 20 times, स्लो रिदमिक, पेशेंट के साथ, पेशेंट को इन्वॉल्व करके। ओके, सो उनको आपको उठाना है और उनको बोलना है, आप देखिए और ये करने की कोशिश कीजिए, ऐसे पकड़िए, वन, कैन यू कम लिटिल डाउन, वन टू। सो आप करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, उठाइए हाथ को, उठाइए उठाइए उठाइए, वेरी गुड। नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, नीचे नीचे नीचे, ऐसे आपको उनके साथ कम्युनिकेट करके ये एक्सरसाइजेस करवानी है। ओके, उनको बोलिए उठाइए उठाइए, कोशिश कीजिए, ऊपर 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 थोड़ा और, वेरी गुड। अब नीचे लाइए, खींचिए खींचिए, और आपको फील होगा धीरे धीरे वो अभी कर रहे हैं, वो पहले नहीं करते थे लेकिन अभी कर रहे हैं, आपको इमीडिएट इम्प्रूवमेंट लगेगा। सो दिस इज द फर्स्ट मोशन, दिस इज फ्लेक्शन और दिस इज एक्सटेंशन। अभी हम सेकेंड मोशन करेंगे जिसको कहते हैं एबडक्शन और एडक्शन। उनकी पिलो को थोड़ी अंदर के साइड शिफ्ट कीजिए, हाथ को अच्छे से पकड़ना है, दूसरा हाथ सेम ग्रिप, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, और फर्मली पकड़ना है, ऐसे नहीं कैसे भी पकड़ रहे हो कर रहे हैं, अच्छे से ग्रिप फर्म होनी चाहिए। पकड़िए स्लोली पैरेलल टू द ग्राउंड के साथ, हाथ को ऊपर लेके आइए, जितना जा सकता है उतना लीजिए, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। और पेशेंट के एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हैं कि अगर वो उन पेनफुल एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो आप कुछ तो गलत कर रहे हैं। ओके, सो विद इन द पेन लिमिट हर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करते वक्त देयर शुड नॉट बी पेन, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्कम्फर्ट। ओके, इट शुड बी सूदिंग रिलैक्सिंग। सो अंदर बाहर, दिस इज एबडक्शन। ऑल द मूवमेंट ट्राई कीजिए, फुल रेंज ऑफ मोशन में आप लेके जा रहे हो, ताकि आपका जॉइंट में स्टिफनेस ना हो, मोबिलिटी अच्छे से रहे और मसल में स्ट्रेंथ भी आने में हेल्प हो। जस्ट बहुत बार मैंने देखा है सिर्फ ऐसे करते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। ओके, ट्राई टू टेक इट एज मच एज यू कैन गो, बट अगेन डू नॉट क्रॉस द एंड रेंज। दिस इज एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन। चलिए हाथ को बाहर ऊपर की तरफ लेके जाइए, ट्राई कीजिए, वेरी गुड। नीचे खींचिए, नीचे नीचे नीचे, वेरी गुड। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दिस इज आवर सेकेंड मोशन। नाउ थर्ड, थर्ड में हम पेशेंट के हाथ को 90 degree में रखेंगे। ओके, ये पोजीशन में रखे हम उनका शोल्डर का रोटेशन करेंगे। सो इधर पकड़ना है, सेम ग्रिप, आपको अगर नीचे बैठना है तो आप नीचे भी ऐसे बैठ सकते हैं, और स्लोली पेशेंट के हाथ को इनवर्ड रोटेट करना है और आउटवर्ड। दिस एक्शन पर्टिकुलरली शुड बी वेरी केयरफुली बी डन, बिकॉज इसमें डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसमें पेशेंट को पेन हो सकता है। अभी कभी कभी पेशेंट एल्डरली होते हैं, अबव 60-65, वो केस में उनको ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स होते हैं, ऑलरेडी जॉइंट में डीजनरेशन है, तो उनको थोड़ा पेन होना इज नॉर्मल। सो आप ज्यादा एंड तक मत जाइए, विद इन उनके पेन लिमिट आप ये एक्शन कीजिए।
ये फास्ट नहीं करना है, जर्की मूवमेंट नहीं करने, स्लोली जितना जा सकता है उतना लेके जाइए, जितना जा सकता है नीचे लेके जाइए, ऊपर नीचे, और उनको बोलना है आप ट्राई करो। अगर उनको डिस्कम्फर्ट लग रहा है आप थोड़ा शोल्डर को स्टेबिलाइज कर सकते हो और फिर कर सकते हो, फिर भी उनको पेन हो रहा है तो आप अवॉइड कीजिए, ये मूवमेंट करे मत कीजिए, कंटिन्यू विद अदर मूवमेंट्स। दिस इज आवर थर्ड, इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सरसाइज करते वक्त आपको भी आपकी बैक का केयर लेना है, अगर आप ऐसे झुक रहे हो और ये कंटिन्यूस कर रहे हो दिन में दो बार तो आपकी बैक पेन होगी, तो आप उनसे एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, इसलिए खुद अच्छे से पोस्चर में आपको करना है, जब जरूरत हो नीचे बैठिए कीजिए। सो दिस इज योर थर्ड मोशन ऑफ योर शोल्डर। ओके, सो बहुत बार हम पेशेंट को सर्कमडक्शन भी देते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगी कि तो आप ये करो, फिजियोथेरेपिस्ट अगर कर रहे हैं तो अलग बात है, अगर आपको करना है आपको वेरी जेंटल करने की जरूरत है, अदरवाइज यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट, बाकी के एक्सरसाइज आप कर सकते हो। सो दिस इज सर्कमडक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज, एक हाथ से मैंने एल्बो को पकड़ा है, ग्रिप मैंने छोड़ी ही नहीं है, जब से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है मैंने हाथ को पकड़ा है इस तरीके से, टू फिंगर्स इधर और एक हाथ से मैंने रिस्ट को ग्रिप किया है, दैट्स इट। मैंने फर्स्ट फ्लेक्शन एक्सटेंशन सेम किया, फिर ये एबडक्शन एडक्शन किया, फिर ये रोटेशन किया, और अभी सेम इसमें मैं सर्कमडक्शन कर रही हूँ। सो कम से कम मैं उनके हाथ को स्टिमुलेट कर रही हूँ। सो दिस इज फ्लेक्शन और दिस इज सर्कमडक्शन क्लॉकवाइज और दिस इज सर्कमडक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स इट। ये हो गए उनके मेन शोल्डर के एक्सरसाइज। हम अभी हम करेंगे एल्बो के एक्सरसाइज, सेम ग्रिप सेम हैंड, अभी एक हाथ से भी आप कर सकते हो क्योंकि शोल्डर अभी हो गया है। एल्बो को पकड़िए, आप चेयर लेके आप उनके साथ यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हो और फिर या फिर उनके बाजू में बेड पे भी ऐसे आप बैठ सकते हो। ओके, सो इधर आपको बैठना है, पेशेंट को आप उठाइए, उनको कोऑपरेट करने के लिए बोलिए। सो आपके आपके पास हाथ को लीजिए, आपके मुंह की तरफ हाथ लीजिए और हाथ सीधा कीजिए, दैट शुड बी योर इंस्ट्रक्शन। ओके, सो अभी मैं आपको दिखाने के लिए चेंज कर रही हूँ, अदरवाइज आई वुड सिट हियर और मैं ऐसे करूंगी, आपके लिए मैं अभी इधर बैठ रही हूँ। ऑलवेज मेक श्योर मैं पेशेंट को फेस कर रही हूँ, उनसे बात करके उनके फेशियल एक्सप्रेशन देख के मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ताकि मुझसे कोई गलती ना हो, उनको पेन ना हो। ओके, सो अभी सो आपको आपकी तरफ हाथ को लीजिए, नीचे कीजिए, स्लो रिदमिक, नॉट टू स्लो नॉट टू फास्ट, नीचे ऊपर, ट्राई कीजिए नीचे ऊपर। ये हो गई उनके एल्बो की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। नेक्स्ट, एल्बो में नेक्स्ट मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं प्रोनेशन सुपिनेशन। तो आपको क्या करना है, सेम ग्रिप, आपको ऐसे घुमाना है और ऐसे उनको उठाइए। हर टाइम मैं बीच बीच में आपसे कह रही हूँ उनको उठाइए, अगर वो सो रहे हैं उनको इन्वॉल्व होने के लिए बोलिए। दीज टू मूवमेंट्स इज इन द एल्बो, हमने शोल्डर किया, एल्बो किया, अभी हम रिस्ट की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो हाथ का स्पेशली ख्याल रखना जरूरी है स्ट्रोक में, क्योंकि शोल्डर एल्बो में भी स्ट्रेंथ आना चालू हो जाता है, लेकिन हैंड में स्ट्रेंथ आने के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके, मैंने हैंड के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया है, हैंड की स्ट्रेंथ के लिए, उसका टाइटनेस कम करने के लिए, सो वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आप इनिशियल स्टेजेस में हो, ऐसे में इमेजिन कर रही हूँ, तो आपको ये एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है। वंस आपके हाथ में टोन आ जाएगा तो आप वो एक वीडियो देखिए, वो एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए। तो आपको अभी ऐसे पकड़ना है, एक हाथ से रिस्ट के नीचे पकड़िए, पेशेंट को अगेन इन्वॉल्व कीजिए, नीचे नीचे ऊपर। सो दिस इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन, नीचे ऊपर। तो अभी आपको अंदर बाहर की साइड करना है, जिसको हम रेडियल डेविएशन अल्नार डेविएशन कहते हैं, अंदर बाहर, और इसमें भी सर्कमडक्शन होता है,
लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी सर्कमडक्शन से आप दूर ही रहे, क्योंकि कोई गलती नहीं चाहिए हमें जॉइंट में। सो आप बस फ्लेक्शन एक्सटेंशन कीजिए और अंदर बाहर, दैट्स इट। दैट इज फॉर योर रिस्ट जॉइंट, दिस इज योर रिस्ट जॉइंट। अभी हम फिंगर के लिए सारे फिंगर्स को एक्सटेंड करेंगे और उनको फ्लेक्स करेंगे और पेशेंट को अगेन बोलेंगे ट्राई टू ओपन योर फिस्ट, मुट्ठी को खोलिए, मुट्ठी को खोलिए और मुट्ठी को बंद कीजिए। यस, मुट्ठी को खोलिए, ध्यान दीजिए, मुट्ठी को खोलिए, बंद कीजिए 10 to 15 times ऑल द एक्सरसाइजेस। देन थंब अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये सारी एक्सरसाइजेस हमने की शोल्डर से लेके फिंगर तक। ये करने के बाद हम स्ट्रेच लेंगे इधर का, तो हाथ को मैं स्ट्रेच कर रही हूं, एक हाथ से शोल्डर को पकड़ रही हूं और ऐसे उनके हाथ को नीचे बैठ के मैं, दिस इज अ स्ट्रेचिंग। सो ये पोजीशन को 30 seconds, 20 to 30 seconds होल्ड कीजिए जस्ट। ओके, सो ये स्ट्रेच आपको 15 to 20 seconds होल्ड करना है, जस्ट वंस और ट्वाइस। सो आई होप ये वीडियो से आपको फायदा हो। अगर आपके घर में किसी को स्ट्रोक हुआ है रिसेंटली, तो जरूर ये वीडियो उनसे शेयर कीजिए और ये एक्सरसाइजेस उनको करवाने के लिए बोलिए। अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट को ढूंढ रहे हैं, इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको वेट नहीं करना है। स्ट्रोक पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके ब्रेन को स्टिम्युलेट करेंगे और जितना जल्दी करोगे, उतना जल्दी उनका रिकवरी होगा। तो आपको जब तक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं मिल रहा है, आप ये एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कीजिए। फ्रॉम द डे ऑफ स्ट्रोक ये एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो और सेफ है, और जस्ट मेक श्योर पेशेंट को पेन ना हो। ओके, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हो, और मैं आप स्ट्रोक के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आप मुझे बताइए कोई स्पेसिफिक कंडीशन, कोई स्पेसिफिक कंसर्न आपका स्ट्रोक रिलेटेड या फिर फिजियोथेरेपी रिलेटेड है तो। ओके, सो आई होप दैट विल हेल्प यू। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।